उसको
और ये किसी की मदद न करना लाशोनी तौर पर भेजा के उसको उधर धकेलने के लिए करा दिया और बाजाबा तौर पर मुनकरीन इस्लाम बयान रखते हैं कि मजबूर लोगों को सहारा दो और उसको अपने गिरोह में शामिल करो। अल्लाह के बंदो एहसास करो, अल्लाह के बंदो महसूस करो, अगर पड़ोसी का घर जल रहा है आग उसको नहीं बुझाओगे तो तुम्हारे घर में भी आग लगेगी और तुम्हारे दुश्मन को जला करके पाकिस्तान कर देगा। जो आग लगी है ये सबके जला को जला सकती है अगर इसको न बुझाया तो। आज किसी की बेटी इंकार की तरफ गई इस्लाम के हवाले से अल्लाह न करेगा आपकी बेटियों की जा सकता। हालात सबके यकसा नहीं रहते। हुजूर मोहम्मद सियालों के छोटी रहमतुल्लाह अलैह तो इससे कहते हर कमाल ला सवाल हो हर सवाल ला कमाल, हर रोज का कमाल है और हर सवाल को बोझ है। इसकी हालात सबके यकसा नहीं रहते। किसने ने जब उस लड़की की झोली में कई सिक्के डाल दिए उसके झोली भरी और तशक्कुर की निगाह से उस लड़के की तरफ देखा तो किसने ने कहा कि कर्जा नहीं है ये मैंने तुम्हें दे दिया, इसका बदला कुछ नहीं चाहता, सिर्फ एक काम है तुझसे, थोड़ी देर मेरे घर चलो और घर चल के थोड़ी देर बैठ जाए। अब वो लड़की ना नहीं सकती, देखो किस तरीके से कदम है, वो शरीफ की लड़की भी उसको ना नहीं दे सकी उसके घर गई। सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दी और घर में उस लड़की को अकेले लेकर उसकी तरफ पढ़ने लगा तो लड़की कहां गई, शरीफ की लड़की लाती कहां गई, लेकिन चूंकि मजबूर थी किसी ने एहसान किया तो जाना पड़ा उसके साथ। अब पता चला लड़कियां किसी के साथ क्यों जाती, ये जालिम माशरा जो मदद करने के मूड में नहीं है ये माशरा वहां पर धकेलते ले जाता है। मजबूरी कहां कहां तक किसको ले जाती है, शराफत का दामन कैसे कहां कहां होता है। वो लड़की गई तो कमरे में बैठी तो जबकि किसने बदनीयती के साथ उसकी तरफ बढ़ना चाहा वो कहां गई तो किसने ने उसको ताना देते हुए कहा लड़की किसी मोहल्ले के इंसान ने तेरा साथ तो नहीं दिया, तो किस मोहल्ले वाले से डर रही है। लेकिन उसके दरवाजे पर नूर के कलम से लिखा था, नूर के कलम से लिखा था
निकल जाती है, वही पर ये बात भी सामने आती है, अगर अल्लाह से डरकर एक गुनाह छोड़ दो तो अल्लाह जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देता है। जिंदगी में कभी ऐसा भी कीजिएगा जब गुनाह करने को दिल चाहे तो सोचो कि अल्लाह के नाज़िम साहब ने जो तकाई दिया था उससे कुछ ज्यादा हो गया, उसके लिए माफ़ चाहता हूँ। अल्लाह ताला अपने अमल की तौफीक दे, उस दो के दरमियान कोई गलती अल्लाह ताला माफ करे। अस्तग़फिरुल्लाह इन्ना रब्बुल गफूर रहीम वअलैहि तवक्कलना। अस्सलामु अलैकुम।